अरमान ने की फुफासा की पिटाई। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि संजय पहले तो कोर्ट में अभिरा से उसका क्लाइंट छीनने की कोशिश करता है, पर राम सिंह फिर भी अभिरा से ही केस लड़वाता है और अरमान अब संजय को वार्निंग भी देता है कि अभिरा के करियर से दूर रही है, लेकिन संजय अपनी हरकतों से बाज आने वालों में से नहीं है। आगे दिखाया जाएगा कि अभिरा पर जज को रिश्वत देने का आरोप लगता है और अरमान को यह बात पता चलते ही वो अभिरा के पास दौड़ा चलाएगा, लेकिन इस बार अभिरा उसे देखते ही डंडा उठा लेती है और अरमान को वहां से चले जाने के लिए कहती है, क्योंकि जब जब वो उसके पास होता है तो मुसीबतें उसे परेशान करने का रास्ता ढूंढी लेती है। अरमान गुस्से में गर्मोसता है और संजय की कॉलर पकड़ लेता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता, अरमान घरवालों को पूरी बात बताता है। दादी सा कहती है कि छोड़ो जमाई सा को, वो लड़की तुम्हारी पत्नी नहीं है। यह सुनकर अरमान जवाब में कहता है कि जी नहीं, वो लड़की अब भी मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी रहेगी। आप लाख कोशिशें कर लीजिए लेकिन मुझे और अभिरा को अलग नहीं कर पाएंगी। और वो संजय को फाइनल वार्निंग देता है। अरमान कहता है कि आज के बाद फूफा सा, अगर आपने अभिरा की लाइफ में दखल अंदाजी की तो वो आपकी लाइफ की आखिरी गलती होगी। मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे फूफा है। अरमान की बातें सुनने के बाद तो संजय के भी पसीने छूट जाते हैं। आगे यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि अरमान अभिरा को इंसाफ कैसे दिलाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।